हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विसादिक में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के आरआरबी बेंगलोर वाले छात्रों के लिए बड़ी ऑफिशियल खुशखबरी आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, आरआरबी बेंगलोर ने एनटीपीसी के लेवल 6 की जो स्टेशन मास्टर की पोस्ट है उसका जो है डिविजनल अलॉटमेंट लिस्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। मतलब कि किस कैंडिडेट्स को कौन सा डिवीजन मिला है इसके लिए लिस्ट जारी कर दी गई है। और आरआरबी बेंगलोर में यदि आपने फॉर्म भरा और स्टेशन मास्टर का आपको अगर ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है, आपका जो है पैनल में नाम आ गया, तो आप अपना जो है इस लिस्ट में देख सकते हैं कि आपको कौन सा डिवीजन मिला है। और बाकी का आरआरबी का लिस्ट कब तक आएगा इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए हम दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल के अपडेट्स के लिए, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पैनल लिस्ट की जो हमने यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन की, स्टेशन मास्टर की डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पर लिस्ट ओपन कर रखी है। आप देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे, हुबली, ठीक है। ये इनका जो है आरआरसी हुबली के अंतर्गत मतलब यहाँ ज्वाइनिंग दी गई है। मतलब कि आरआरबी का काम होता है रिक्रूटमेंट लेना, मतलब कि एग्ज़ाम वगैरह लेना, उसका रिजल्ट देना, लेकिन सारा काम जो है आरआरसी का होता है। तो आरआरसी हुबली के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया है। तो देखिए, ये जो है 17 नवंबर को यहाँ पर जारी कर दी गई थी लिस्ट, और जो है इसको अलॉट कर दी गई थी। तो देखिए, यहाँ पर जो है टोटली अगर हम देखे जाए तो आरआरबी बेंगलोर और आरआरसी हुबली के अंतर्गत टोटल 3 डिवीज़न काम करते हैं। देखिए, यूबीएल का मतलब होता है हुबली, उसके बाद एसबीसी मतलब कि आपका बेंगलोर, उसके बाद एमवाईएस मतलब कि आपका मैसूर। तो टोटल 3 जो है कौन कौन से डिवीज़न, तो हुबली, बेंगलोर और जो है मैसूर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा है सब्जेक्ट दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आरआरबी पेपर्स कैटेगरीज स्टेशन मास्टर एसएम एनटीपीसी सीएन नंबर 01/2019 एनटीपीसी ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट। उसके बाद ही यहाँ पर जो है इनका सारा रेफरेंस नंबर दिया गया है, और जो है 9/11 को यहाँ पर ये जो जारी कर दिया गया था, उसके बाद जो 17/11 को यहाँ पर फाइनली जो है डिवीज़न अलॉट किए गए थे। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एज पर अनेक्सर इनक्लोज्ड सेलेक्टेड फॉर द लेवल 6 पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर इज इनक्लोज अलॉन्ग विद ओरिजिनल पेपर्स ऑफ द कैंडिडेट्स द कम्युनिटी वाइज ब्रेक अप इज एन एज अंडर। मतलब यहाँ पर जो है टोटली कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो डिवीज़न अलॉट किए गए कैटेगरी लेवल 6 के लिए स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए, तो देखिए यहाँ पर टोटल जो है 3 डिवीज़न काम करते हैं, हुबली, बेंगलोर और मैसूर। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो है जनरल की अगर बात करें हुबली डिवीज़न में, तो यूआर कैंडिडेट 151 सिलेक्ट किए गए हैं, एससी के लिए 57 कैंडिडेट्स को, एसटी के लिए 31, ओबीसी के लिए 51 और जो है 27 ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 357 कैंडिडेट जो है हुबली डिवीज़न में इम्पैनल किए गए हैं। वहीं पर बेंगलोर के लिए बात करें तो आप देख सकते हैं 61 जनरल के लिए, एससी के लिए 25, 14 जो है एसटी के लिए, और इसी तरह से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 41, 18, टोटल 159 जो है बेंगलोर के लिए, और टोटल जो है 182 कैंडिडेट्स मैसूर के लिए इम्पैनल किया गया है। मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 698 कैंडिडेट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है आरआरबी बेंगलोर के इम्पैनल में। वहीं पर अगर देखा जाए तो सारी आपको जो इंस्ट्रक्शन दी है आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर नीचे आओगे तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है सीरियल नंबर दिया है, टोटल अगर हम बात करें तो टोटल आप जब नीचे आओगे तो 698 कैंडिडेट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया। जब हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए टोटल आपको यहाँ पर 698 कैंडिडेट्स की जो है पूरी लिस्ट दिखाई देगी। ये देखिए 698 कैंडिडेट्स। अब अगर यदि आप अपना रोल नंबर देखना चाहते हैं और आपको कौन सा डिवीज़न मिला है, तो यहाँ पर इसमें देख लीजिएगा। इसको देखिए, अगर हम देखा जाए तो ये जो पीडीएफ है ये सर्चेबल नहीं है। इसको जो है आप यहाँ पर इसको सर्च नहीं कर सकते हैं। इसको जो है आप इस पीडीएफ को, यदि आपके पास ये पीडीएफ है तो आप जो है ठीक है, इसको जो है पीडीएफ सर्चेबल कन्वर्टर कर लीजिएगा। मतलब कि पीडीएफ में जिसमें सर्च हो सके वो पीडीएफ में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर अपना जो है रोल नंबर के हिसाब से, अपना रोल नंबर या नाम के हिसाब से आप अपने और अपने डिवीज़न देख सकते हैं, मतलब सर्च करके भी, क्योंकि 698 कैंडिडेट्स में आप कहाँ पर अपना नाम ढूंढोगे। और यही पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है सीरियल नंबर दिया गया है, उसके बाद रोल नंबर भी दिया कैंडिडेट्स का, उसके बाद कैंडिडेट्स का नाम दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, उनकी जो कम्युनिटी है वो दिया गया है, और उनको चार्ज अगेंस्ट मतलब कि किस कम्युनिटी के अंतर्गत लिया गया है, मतलब पैनल किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर ये ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट्स है, इनको जो है जनरल के यूआर की सीट प्राप्त हुई है। उसके बाद जो है इनका मेडिकल स्टैंडर्ड क्वालिफाई हुआ, तो ये A2 है, क्योंकि A2 जो है स्टेशन मास्टर के लिए मस्ट था, तो यहाँ पर A2 इनको मिला है। और उसके बाद ये इनको हुबली डिवीज़न मिला है, उसके बाद बेंगलुरु डिवीज़न, हुबली डिवीज़न, इस टाइप से मतलब कैंडिडेट्स का दिया गया है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से जो है रेंडमली इनको रखा गया है। तो वहीं पर अगर बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर आप जो है सर्च बिल्कुल कर सकते हैं, जब इस पीडीएफ को आप जो है सर्चेबल पीडीएफ में कन्वर्ट कर लोगे। तो बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी। ऐसे अगर बात करें तो बाकी आरआरबी का कब तक आ सकता है, तो देखिए दोस्तों, आरआरबी बिलासपुर का भी जो है जारी हो चुका है। मैं आपको आरआरबी बिलासपुर का भी बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप पर्सनल डिपार्टमेंट सेंट्रल रेलवे की बात करें तो यहाँ पर आरआरबी बिलासपुर के द्वारा भी जो है अपनी लिस्ट जारी कर दी गई। तो देखिए, यहाँ पर दिखा डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग ऑपरेटिंग के लिए, और पोस्ट जो है स्टेशन मास्टर है CN01/2019 NTPC के लिए, नेम ऑफ आरआरबी बिलासपुर। टोटल जो है पैनल यहाँ पर 21 पैनल मतलब 21 छात्रों को यहाँ पर शामिल किया गया था। देखिए, डिवीज़न वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
21 एप्लीकेशन ऑफ स्टेशन मास्टर ऑफ CN0/2019 NTPC कैटेगरी नंबर 2 ऑफ RRB बिलासपुर। तो देखिए यहाँ पर जो है कैंडिडेट्स को डिवीज़न अलॉट किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर आप जो है सर्च भी कर सकते हैं और यहाँ आप जो है 21 कैंडिडेट में अपना नाम डायरेक्टली देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर कैंडिडेट का रोल नंबर, उनका जो है नाम दिया गया है, उसके बाद जो उनकी कम्युनिटी है वो, और उनको जो है कौन सा डिवीज़न अलॉट किया गया। जैसे फर्स्ट कैंडिडेट्स को यहाँ पर नागपुर फिर नागपुर ऐसा करके यहाँ टोटली अगर बात करें तो टोटल जो कैंडिडेट्स को यहाँ पर 21 कैंडिडेट्स को यहाँ पर नागपुर ही जो है डिवीज़न अलॉट किया गया RRB बिलासपुर में। तो ये 21 कैंडिडेट्स को RRB बिलासपुर में जो है नागपुर, मतलब सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो डिवीज़न आता है नागपुर, उसमें ही जो है इसको इनको मतलब कि 21 कैंडिडेट्स को नागपुर डिवीज़न अलॉट किया गया है। अब उसी के बाद दोस्तों अगर बात करें कैटेगरी नंबर 1 में, मतलब कि कमर्शियल अप्रेंटिस की बात करें, डिपार्टमेंट कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए सेंट्रल रेलवे में RRB बिलासपुर के अंतर्गत, तो टोटल 16 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया कमर्शियल अप्रेंटिस में NTPC कैंडिडेट्स को। तो देखिए यहाँ पर लिखा है डिवीज़न वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 16 एप्लीकेशन ऑफ कमर्शियल अप्रेंटिस ऑफ CN0/2019 NTPC कैटेगरी नंबर 1 ऑफ RRB बिलासपुर। तो देखिए यहाँ पर टोटल जो है 16 मतलब 16 कैंडिडेट्स को कमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट अलॉट की गई है, जिसमें कैंडिडेट्स का रोल नंबर दिया गया है, नाम दिया गया है, उनका जो है जो कम्युनिटी दी गई है वो, और उनका कौन सा डिवीज़न अलॉट किया गया है यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर भी टोटल जो है 16 कैंडिडेट्स को नागपुर डिवीज़न ही अलॉट किया गया RRB बिलासपुर के अंतर्गत सेंट्रल रेलवे में। तो वहीं पर अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर स्टार और इस टाइप से कुछ जो है आपको ये जो स्पेशल कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए इसका मतलब हम देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम स्टार का मतलब देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कैंडिडेट सिलेक्टेड अगेंस्ट यूआर पोस्ट, मतलब कि जहाँ जहाँ भी स्टार लगा है, देखिए आप देखिएगा यहाँ पर EWS के सामने स्टार लगा, मतलब ये EWS के कैंडिडेट्स हैं लेकिन इनको जो है जनरल की सीट मिली है। और वहीं पर अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर एक और दिया गया है हेस, तो हेस का मतलब LD कोटा, मतलब कि इनको जो है LD कोटा प्राप्त हुआ। जैसे OBC के है तो जो है इनको LD को लोअर डिवीज़न वगैरह है, जो इनका जो LD मतलब कि PWD कैंडिडेट्स होते हैं तो वो जो है इनको प्राप्त हुआ है। उसके बाद HI कोटा, मतलब ये जो जहाँ डॉलर का निशान लगा आपको देख सकते हैं OBC में डॉलर का निशान लगा, मतलब इनको जो HI हियरिंग वगैरह का जो है कोटा मिला है। उसके बाद ही जो अगर ऊपर केप वाला आपको जो है सिंबल अगर दिखाई दे तो मतलब इसका मतलब है कि एक सर्विसमैन कोटा मिला है। जैसे यहाँ पर ये कैंडिडेट्स को जो है एक सर्विसमैन का कोटा मिला है। तो यहाँ पर जो है दो RRB के हमने जो आपको ऑफिशियली बताया, RRB बेंगलोर और RRB बिलासपुर, ये दोनों RRB के हमने आपको जो है ऑफिशियली PDF बता दिए कि कौन से कैंडिडेट्स को कौन सा डिवीज़न अलॉट किया है। ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय फ्रेंड्स।